हाय फ्रेंड्स, सो ये वाला वीडियो एक बहुत ही स्पेशल वीडियो है, इसलिए कि एक बहुत अच्छी खुशी की बात है। मैं पूरे लगभग दो साल के बाद, हाँ अप्रोक्स दो साल अब होने वाले हैं, तो मैं दो साल के बाद मैं अब इंडिया जा रहा हूँ। और जस्ट नाउ मैंने चेक इन किया है एयर इंडिया के साथ, और देखो एयर इंडिया पर इसमें BSNL का एडवर्टाइजमेंट भी हो गया। तो वहाँ पर सामने एयर इंडिया का काउंटर था, और ये जो आप देख रहे हैं ये सैन फ्रांसिस्को का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। ये वाला ब्लॉग मेरा स्पेशली डेडिकेटेड है सैन फ्रांसिस्को से मेरे इंडिया ट्रैवल के लिए। सो जस्ट नाउ मैंने मेरा सारा सामान जो है वो चेक इन किया है, सारे मेरे जो बैग्स थे वो मैंने सभी यहाँ पर काउंटर पे चेक इन के लिए दे दिए, और हमारा कैरी ऑन लगेज है वो सब हम ले करके सिक्योरिटी गेट की तरफ जा रहे हैं, और वहाँ से सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद में फिर हाइट गेट की तरफ। तो ये है सैन फ्रांसिस्को का इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और अभी मैं जा रहा हूँ सिक्योरिटी गेट की तरफ, और वहाँ सामने देख सकते हैं वहाँ पर चल रही है सिक्योरिटी चेक, जिसको बोलते हैं TSA चेक, और वहाँ पर रिकॉर्डिंग करना अलाउ नहीं होगा। सो मैं कैमरा ऑफ करता हूँ यहाँ पे, और सिक्योरिटी क्लियर करने के बाद में फिर से मिलते हैं। तो ये है ड्यूटी फ्री स्टोर, सारी चॉकलेट्स, वॉचेस, फ्रेंड्स। सो जस्ट सिक्योरिटी चेक से निकल के आए हैं, और ये सैन फ्रांसिस्को का इंटरनेशनल टर्मिनल है, यहाँ सारे इंटरनेशनल डिपार्चर्स होते हैं। तो अभी मैं जा रहा हूँ एयर इंडिया के गेट की तरफ, और सारा सामान तो ऑलरेडी पहले ही चेक इन कर दिया था, सिर्फ कैरी ऑन लगेज है तो वहाँ पे रखा हुआ है, और बस अब बोर्डिंग करना है। बोर्डिंग के बाद में फ्लाइट के अंदर, यहाँ पर बहुत सारे ड्यूटी फ्री स्टोर्स हैं, और इन्होंने ये एस्केलेटर वाली पाथवे लगा रखी है, बस खड़े हो जाओ और चलती रहेगी ये आने और जाने दोनों के लिए। Thank you.
गया हूँ फ्लाइट के अंदर और ये रही मेरी सीट यहाँ पे। हर सीट में रक्षा जैकेट उपलब्ध है। यदि विमान को पानी पर उतरना पड़े तो कैबिन क्रू के कहने पर ही पाउच से रक्षा जैकेट निकालें। इसे दोनों हाथों से पकड़े तथा सिर के ऊपर से पहन लें। इसके बेल्ट को कमर पर कसकर बांध लें जैसा कि आपको दिखाया गया है। जैकेट को फुलाने के लिए लाल टॉगल को जोर से खींचे। इसे ऊपर लगे लाल ज्यूब से मुंह से हवा भर कर भी फुलाया जा सकता है। बच्चों के लिए केवल एक ही टॉगल खींचे। फर्स्ट क्लास में रक्षा जैकेट आपके सीट के आर्मरेस्ट के नीचे कंपार्टमेंट में रखी गई है। बिजनेस क्लास में रक्षा जैकेट दो सीटों के बीच। तो यहाँ पर बिल्कुल ठेठ देसीपन का एहसास हो रहा है क्योंकि मैं एयर इंडिया फ्लाइट में हूँ और मेरी टच स्क्रीन काम नहीं कर रही है। शिट मैन। और ये यहाँ पर चल रही है, देखो ये यहाँ पर टच स्क्रीन चल रही है। बस सारे ऑप्शंस हैं। यहाँ पे नहीं चल रही है और यूएसबी पोर्ट भी तोड़ दिया है किसी ने। We'll be right back.
फ्लाइट में से बाहर निकले तो बहुत बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड हो चुका है। और इसलिए फिर मैं यहाँ अंदर आकर के रिकॉर्ड कर रहा था। ये जो आपको दिख रहा है ये बाहर मॉइस्चर की वजह से स्नो जम गई है इस स्क्रीन पर। ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक ये पूरा स्नो हुआ है। आई डोंट नो, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं भी कजाकिस्तान या फिर किसी यूरोपियन कंट्री के ऊपर हम उड़ रहे हैं अभी। अभी जस्ट यहाँ दिल्ली एयरपोर्ट पे मैंने सिक्योरिटी क्लियरेंस करा लिया है और अब मेरी नेक्स्ट फ्लाइट के लिए मैं डोमेस्टिक डिपार्चर पे हूँ फिलहाल। और आपको दिखाता हूँ यहाँ पर कुछ स्पेशल है। सो ये कार की डिज़ाइन बनाई हुई है लेकिन ये पूरी डिज़ाइन ये पाइप्स और लाइट से बन के मिल के बनी है। सो एक्चुअली जो एडवर्टाइजमेंट है वो इस टायर का है। एंड गाइस कैन यू इमेजिन, यूएस में इतनी ठंड थी और यहाँ पे इतनी गर्मी हो रही है जबकि पूरा ठंडा मौसम है लेकिन यहाँ पे एयरपोर्ट के अंदर इतनी गर्मी हो रही है। वेलकम टू इंडिया।
862 to Mumbai. Thank you for waiting. All remaining passengers are now requested to board the aircraft. On behalf of Jet Airways, we wish you a pleasant flight. Mumbai ko jaane wali Jet Airways ki uran 362 ke yatri. हेलो इंडिया. सो फाइनली मैं इंडिया पहुंच गया हूं और करंटली अभी मैं यहां पर पुणे में हूं. सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली होते हुए न्यू दिल्ली होते हुए पुणे तक की जर्नी बहुत ही अच्छी रही थी, बहुत ही शानदार रही और बहुत थका देने वाली रही क्योंकि ऑलमोस्ट मुझे 24 आवर्स हो चुके हैं ट्रैवल करते करते. और वहाँ से जब मैं सैन फ्रांसिस्को से निकला था तो न्यू दिल्ली तक मेरी ऑलमोस्ट 15 या 16 आवर्स की फ़्लाइट थी. देन न्यू दिल्ली से मेरी पुणे की फ़्लाइट थी. सो फाइनली मैं अभी होटल में आ गया हूँ और ये सारा लगेज वगैरह अनपैक करना शुरू किया था क्योंकि मुझे रेडी होना था, रिफ़्रेश होना था, बहुत थका हुआ था. तो अब कुछ रिफ़्रेश फील कर रहा हूँ. अब बस सोने की तैयारी है, मैं बहुत थक गया हूँ. तो छोटी सी बात ये शेयर करना चाहता था कि ये वाली जर्नी बहुत स्पेशल रही क्योंकि मैं चाहता था ये पूरी जो जर्नी का एक्सपीरियंस होता है वो मैं इसमें मेरे व्लॉग में शूट करके आप सभी के साथ शेयर करूँ ताकि आप सभी को भी पता लगे कि क्या एक्सपीरियंस होता है इतनी लंबी फ़्लाइट का, इतने टाइम के बाद में वापस अपने देश आने का. मैं ऑलमोस्ट मतलब 2 साल पूरे नहीं हुए बट होने वाले थे. मैं ऑलमोस्ट इस 2 साल समझ सकते हैं कि मैं 2 साल के बाद अमेरिका से इंडिया आया हूँ. तो अभी फैमिली से मिलने का भी एक्साइटमेंट है बट वहाँ पर मैं कुछ दिनों के बाद जाऊँगा. तो बहुत सारी बातें हैं जो अगले व्लॉग में भी मैं कवर करना चाहूँगा जस्ट इस एक्सपीरियंस को लेकर के कि क्या रहा. और प्लीज़ आपके जो भी कमेंट्स हो, जो भी आपके क्वेश्चंस हो, आपके व्यूज़ हो, वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें. आपकी जो भी क्वेरीज हो मैं उनको आंसर करने का ट्राई करूँगा. और हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहिए. और हाँ, ये वाला जो मेरा वीडियो है इसे बहुत ज़्यादा जितना ज़्यादा हो सके उतना शेयर करें और अपना प्यार मुझे दें. थैंक यू सो मच एंड टेक केयर. जय हिंद. यस, जय हिंद. बाय बाय.